उसका सिर एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए प्रवीण साहनी को सिर्फ समाचार प्लस पर, खबर वही जो हमने कही। सपा प्रमुख मुलायम सिंह का सायना नेहवाल को राजनीति में आने का न्योता, सायना राजनीति में आए तो सपा करेगी समर्थन। कानपुर में सपा नेता के सामने आए दबंगा, स्थानीय सपा नेता विकास मिश्र पर मकान मालकिन की बाहू से छेड़छाड़ का आरोप। उत्तर प्रदेश न्यायिक संघ का 40वां अधिवेशन, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की कई अहम घोषणाएं, न्यायिक विभाग के लिए करोड़ों की सौगातें। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनेगी गैरसैंण, कैबिनेट की बैठक के बाद ऐलान, समाचार प्लस भी खोलेगा हाईटेक ऑफिस, सरकार की हर गतिविधि पर रहेगी प्रदेश के नंबर वन चैनल की नजर। गैरसैंण में हुई कैबिनेट की अहम बैठक, बैठक में मुख्य सचिव समेत तमाम मंत्री रहे मौजूद। अरुपमा हत्याकांड में आरोपी राजेश गुलाटी के पिता की याचिका खारिज, फिलहाल मामा सुजान प्रधान के पास ही रहेंगे बच्चे। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को कुचला, मौके पर ही मौत, गुस्सा आए लोगों ने किया सड़क जाम। रामपुर में सीबीआई टीम की छापेमारी, बीएसएनएल में करोड़ों की हेराफेरी का मामला, खाड़ी के देशों से जुड़े धांधली के तार। बलरामपुर जिला कारागार में कैदी की पिटाई का मामला, घायल कैदी की जिला अस्पताल में भर्ती, मजिस्ट्रेट जांच की कार्रवाई शुरू। और उन्नाव जेल में कैदी ने किया आत्महत्या का प्रयास, खाना ना दिए जाने पर ब्लेड से गला काटा, घायल हालत में अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, चक्रव्यूह में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र। कलराज मिश्र एक ऐसा नाम जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्षों से सक्रिय, भारतीय जनता पार्टी के शिखर नेतृत्व में शामिल, और कलराज जी के साथ सबसे जो बड़ी चीज उत्तर प्रदेश में जानी जाती है वो ये कि कलराज मिश्रा के विरोधी आपको नहीं मिलेंगे। कलराज मिश्रा का अपना जो राजनीति करने की जो अपनी शैली है वो सबसे अलहदा उनको ले जाके खड़ा करती है। कलराज जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। कलराज जी, उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को कभी 60-61 लोकसभा के सदस्य सौंपे थे जिताकर, आज भारतीय जनता पार्टी लगता है कि शायद बेसमेंट में जाके खड़ी हो गई। देखिए, सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में लोकसभा के 98 थी, 98 में 57 हमारे सांसद चुनके गए थे। ये बात सही है कि उसके बाद जिस तरीके से हमको उसको स्थिर रखना चाहिए था, हम स्थिर रख सकने में समर्थ नहीं हो पाए और लगातार हमारा ग्राफ नीचे गिरता गया। उसके कई कारण हो सकते हैं और उन कारणों में कुछ तो उस समय के जो स्थापित नेता थे, उन नेताओं में परस्पर के इतने मतभेद हो गए जिसका परिणाम हुआ कि श्रीमान कल्याण सिंह जी पार्टी से बाहर चले गए, और क्रमशः उसी कारण एक अविश्वसनीयता का संचार हुआ, आम जनता के मन के अंदर लगने लगा जो पार्टी की एकजुटता थी, जिसके कारण पार्टी का विश्वास आम जनमानस पर बना हुआ था, वो क्षरण हुआ है और इसलिए धीरे धीरे हम कम होते गए। इस मर्ज तो ढूंढ लिया आपने कला जी, इसकी दवा खोजी कुछ? हमारा ये प्रयत्न है कि जनता के बीच में हम वह विश्वसनीयता स्थापित करें, और जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थिति बनती जा रही है उस राजनीतिक परिस्थिति के अंतर्गत कांग्रेस से लोग उब चुके हैं, जिस तरीके से भ्रष्टाचार, घोटाला, लगाववाद, पृथकतावाद, इसको बढ़ावा देना कांग्रेस तरफ से हुआ है,
उससे लोग त्रस्त हैं। साथ ही साथ प्रदेश के अंदर अति तुष्टिकरण की नीति को अपनाकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोगों का शोषण किया जा रहा है उससे भी लोग प्रसन्न नहीं हैं। मायावती के शासनकाल में भी लोग त्रस्त थे, परेशान थे, विकास कार्य भी अवरुद्ध था, कानून व्यवस्था भी ध्वस्त थी। अब स्वाभाविक रूप से लोगों को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ही विकल्प हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी ही विकल्प हो सकती है, तो लोग स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखते हैं। अब वह विश्वसनीयता हम स्थापित कर सके, लोगों के इस आशा और अपेक्षा के साथ अपने को हम उतार सके, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। और इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर हम अपने संगठन के व्याप को भी बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, संगठन के अंदर अनुशासन की अच्छी स्थिति निर्माण हो इसकी भी हम चिंता कर रहे हैं, और जो भी उत्तर प्रदेश के नेतागण हैं परस्पर एकजुटता के आधार पर हम काम करें और लोगों के सामने हम दिखाई पड़े इस तरह से, ये भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से नगर पालिकाओं का चुनाव हुआ उसमें जिस तरीके से हमें विजय प्राप्त हुई वो निश्चित रूप से एक उसका सोपान है, और आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है कि हम वह स्वरूप निर्माण करेंगे और जनता को लगेगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही हमारे आज विश्वास की पार्टी है, इसको विजयी बनाना चाहिए। कला जी, लेकिन एक मूल जो समस्या मुझे दिखती है उत्तर प्रदेश में भाजपा में, वो दिखती है कि गुटों में बटा नेतृत्व, खेमों में बटा नेतृत्व, उस मर्ज की दवा आज भी नहीं खोजी जा पाई। कार्यकर्ता तो ठीक है, कार्यकर्ता तो कमिटेड है। मैं आपसे इस बात से सहमत नहीं हूँ, ये दुष्प्रचारित ज्यादा है जी, वहाँ खेमों में बिल्कुल नहीं बटे हैं, न गुटों में बटे हैं। हमारे पार्टी के काम करने का एक तरीका है, और तरीका यह है कि सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करके हम चलते हैं। विधानसभा के चुनाव में इसी सामूहिक नेतृत्व के आधार पर हमने काम करने का प्रयत्न किया था, लेकिन जनता के मन के अंदर एक दिग्भ्रम पैदा हुआ, हमारे खिलाफ ऐसा दुष्प्रचार किया गया कि इनके तो कई नेता हैं और कई नेता के कारण अलग अलग जा रहे हैं, और इसलिए जनता के बीच में दिग्भ्रम पैदा हुआ। जनता को लगा कि कोई इनका एक चेहरा नहीं है। हम प्रयास करते रहे कि जनता को हम बता सकें कि हम तो सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों के मन के अंदर हम उतार नहीं पाए। सही बात है कि सामूहिक नेतृत्व के आधार हम चुनाव लड़ रहे थे, आपस में न तो गुटबाजी थी न खेमेबाजी थी, लेकिन भ्रम के शिकार होने के कारण जनता हमारे साथ ध्रुवीकृत तो नहीं हो पाई। कला जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि ब्राह्मणों का नेता, ठाकुरों का नेता, बनियों का नेता, लोधियों का नेता, इन सब के ऊपर एक भाजपा का नेता भी होना चाहिए उत्तर प्रदेश में? अभी शायद खोज इनकी ज्यादा होती है। नहीं भाई, कलराज जी ब्राह्मणों के नेता, राजनाथ सिंह ठाकुरों के नेता, इस ढंग से ये परसेप्शन क्यों बना फिर? नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। और उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य ये है कि उत्तर प्रदेश में बिरादरीवाद के आधार पर पार्टी बनी है। समाजवादी पार्टी शुद्ध बिरादरी के आधार पर है, बहुजन समाज पार्टी शुद्ध बिरादरी के आधार पर है। इन दोनों पार्टियों के कारण उत्तर प्रदेश में जबरदस्त जातिवादी राजनीति चली है। उस जातिवादी राजनीति के सोच के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के सामूहिक नेतृत्व को भी लोगों ने इसी रूप में देखना शुरू कर दिया। हमारे मन मस्तिष्क में यह बात कदापि नहीं है कि हम ब्राह्मण नेता है या कोई राजपूत नेता है या कोई कुर्मी नेता है या कोई यादव नेता है, ऐसा कदापि नहीं है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसी मानसिकता से प्रेरित होकर हम काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जबरदस्त विकृत जातिवादी राजनीति के कारण हमारे बीच में भी लोगों ने ये ढूंढना शुरू कर दिया कि ब्राह्मण नेता ये, ठाकुर नेता ये, फना नेता, और उसका ही दुष्प्रचार हुआ। अच्छा, केवल दुष्प्रचार के हम शिकार हुए हैं। हम सही माने में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे यहाँ बिरादरी के हिसाब से नेता नहीं माना जाता। किसी भी बिरादरी का प्रमुख व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी का है, और हमारे अंदर एक सामूहिकता का भाव है और हम उसी के अनुसार चल रहे हैं। कला जी, केवल दुष्प्रचार है या कुछ कीटाणु आ भी गए पार्टी के अंदर? जो ये थोड़ी बहुत बातें हो सकती हैं, मैं नहीं कहता,
लेकिन सामान्य तौर पर दुष्प्रचार ज्यादा है। कहीं अगर थोड़ी सी कोई चर्चा हुई तो उसको इस तरीके से हाईलाइट किया जाता है कि मानो लगता है कि जो नहीं के बराबर चीज है वही सबसे अधिक है, ये दिखाने का प्रयत्न किया जाता है। वास्तविकता ऐसा नहीं। कला जी, आपने पूरा जीवन लगा दिया संघ, जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, एक लंबी यात्रा की आपने। कल्याण सिंह जी के साथ एक लंबा सरोकार रहा आपका। कल्याण सिंह जी रामनामी दुपट्टा धारण करके फिर नए अवतार में भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलता दिखता है? देखिए, कल्याण सिंह जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, फिर बाद में भारतीय जनसंघ के, फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों में से रहे हैं और संघ के उस समय कार्यवाह के रूप में काम करते रहे। फिर जनसंघ में आए तो चुनाव लड़े और विधायक हो गए। फिर जनसंघ के उस समय पदाधिकारी थे प्रदेश के। बाद में भारतीय जनता पार्टी जब बनी तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक महामंत्रियों में से थे। फिर बाद में चल करके अध्यक्ष हुए, विधानमंडल दल के नेता हुए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हुए। तो कल्याण सिंह का भी प्रारंभ का जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, इसके आधार पर ही चला और इसको मजबूत करने की दिशा में उनका अपना योगदान था। हम सब लोग साथ में मिलकर काम कर रहे थे। दुर्भाग्यजनक स्थिति ऐसी पैदा हुई, राजनीतिक परिस्थिति ऐसी पैदा हुई कि जिसके कारण कल्याण सिंह दल से बाहर गए और उसके उसमें उनके व्यक्तिगत कमियां भी कुछ रही होंगी और कुछ राजनीतिक परिस्थितियां भी ऐसी बन गई होंगी जिसके कारण दल से वो बाहर गए। निश्चित रूप से उनका भी नुकसान हुआ, जबरदस्त नुकसान हुआ और पार्टी का भी नुकसान हुआ। आज उनके मन के अंदर भारतीय जनता पार्टी में आकर, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर काम करने की मानसिकता बनी है, उन्होंने विचार किया है, हम लोगों से वार्ता भी हुई है। मैं समझता हूं आएंगे, सामूहिक रूप से सब लोग साथ में चलेंगे, एकजुटता की स्थिति सबको मिलाकर दिखाई पड़ेगी और मैं समझता हूं एक अच्छी स्थिति का निर्माण होगा। कला जी, कहीं कुछ विश्वसनीयता का सवाल भी उठेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता का भी सवाल उठेगा और कल्याण सिंह जी की विश्वसनीयता का सवाल भी उठेगा? देखिए, ये बात तो सही है, कुछ वर्षों में गंगा में बहुत पानी बह गया। देखिए, ये बात सही है कि जब कोई भी व्यक्ति दल बदल कई बार करता है तो जनता के मन के अंदर एक अविश्वास का भाव पैदा होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस समय कल्याण सिंह जी की जो आयु है, जो काम करने की मानसिकता है, उनको ये स्वयं पहले भी अनुभव हुआ था और इस समय ज्यादा अनुभव हो रहा है कि अकेली पार्टी बनाकर जो स्थिति निर्माण करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। और चूंकि प्रारंभ से ही एक राष्ट्रीय मानसिकता होने के कारण उनको अब अनुभव होने लगा है कि हम अलग रहकर देश का हम भला नहीं कर सकते, राष्ट्र को जो कुछ हमारे द्वारा सहयोग हो सकता है हम नहीं कर सकते। और इसलिए उन्होंने अनुभव करना शुरू किया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके ही कुछ काम करना चाहिए, इसलिए आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि जनता क्रमशः विश्वास करना शुरू कर देगी। लेकिन जो सामूहिक नेतृत्व तो है संघ का, भारतीय जनता पार्टी की जो पद्धति है काम करने की, उस सामूहिक नेतृत्व के फ्रेम में कल्याण सिंह जी कहां एडजस्ट होंगे? क्योंकि अब तक तो सामूहिक नेतृत्व एक नया शेप ले चुका था कल्याण सिंह जी के जाने के बाद। सामूहिक नेतृत्व तो है ही है, सामूहिक नेतृत्व है, परस्पर विचार विमर्श करके सारी चीजें होती जाएंगी, इसलिए उसमें किसी भी प्रकार का फर्क और किसी प्रकार का अंतर नहीं आएगा। एक नई मूर्ति जुड़ेगी तो स्पेस तो कन्फाइंड हो गया ना कलराज जी? मेरा ये कहना है कि परस्पर विचार विमर्श के आधार पर चीजें तो चलेंगी, लोगों के अनुभवों का लाभ तो उठाया जाएगा और जो भी पार्टी हित में, देश हित में चीजें होंगी उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस और भाजपा के फोल्ड से बाहर जाके सपा और बसपा की राजनीतिक जमीन का पर्याय हो गया कि भाई अब आप किसी सामान्य व्यक्ति से पूछिए कि उत्तर प्रदेश, तो वो कहेगा कि भाई कभी सपा आती है कभी बसपा आती है, ये धारणा हो गई और ये पुष्टि भी होती है इस बात की। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां
लगभग एक ही कालखंड में वहां अप्रासंगिक हो गए। यह बात सही है कि राष्ट्रीय पार्टी का कमजोर होना प्रदेश और देश के हित में बाधक है और उत्तर प्रदेश में यथार्थ स्थिति यही है जो अभी आपने वर्णन किया है।